गुड इवनिंग एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल द इनविजिबल ट्रेडर लास्ट वीक हमने कोई वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज ऑफ सिस्टम इश्यूज पहला तो वो था तो वी डिसाइडेड वी विल डू ओनली चार्ट बेस्ड स्टडी मैंने सिस्टम में यूट्यूब uh, में काफ़ी चार्ट्स डाले हैं एक दिन खाली मैंने छोड़ा था अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द थ्री डेज द चार्ट हैज बिन गिवेन सबसे बढ़िया ट्रेड जो हमारा था वो एक्चुअली ट्यूजडे का था ये वाला फॉल अगर आपको याद होगा एंड देन हमारा फ्राइडे का था एक फॉल और एक बाइंग का और फ्राइडे अगर आपको याद होगा लाइव में मैंने यहाँ पे बुकिंग करने को बोला था जिसके बाद मार्केट फॉल हुआ था राइट <laughs> right? तो वेडनेसडे का कोई हम कंपैरिजन करेंगे नहीं आ, बट हमने पैसे बनाए लेकिन अच्छे नहीं बने अगर आप जैसे वेडनेसडे अगर आप देखोगे तो फोर्टीन थाउजेंड का लॉस था हमारा वेडनेसडे पैसे बने फ्राइडे थोड़े बहुत बने फ्राइडे में वी हैव कैप्चर्ड इन इन टोटल 50 इन टोटल पॉइंट्स पॉइंट्स हमने कैप्चर किया तो वीकली का अगर देखोगे इतने पैसे नहीं बने हैं मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो डे इन डे आउट इट्स लाइक वेरी वेरी मिनिमल अमाउंट जो हमारा स्टैंडर्ड बनता है एंड वन ऑफ द की रीजन इज विक्स विक्स अभी भी आपका आइडियली के आसपास है थोड़ा सा बड़ा है बट स्टिल देन विक्स का फंड मैंने पहले भी आपको बताया था कि कभी भी आपको बड़ा डिप मिलेगा आप देखो जैसे यहाँ पे एक बड़ा डिप मिला तो आपको एक बाइक मिला यहाँ पे हमको एक बड़ा डिप मिला है देखना कल भी आपको एक बाइंग मिलेगा ठीक है तो नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें नेक्स्ट वीक के बाद में दो तीन चीजें अपन बात करते हैं पहली चीज एक बार डेली कैंडल से मैं स्टार्ट करता हूं बैंक निफ्टी की ये वाला अगर आपको याद होगा तो ये जो हमने एक सप्लाई बनाई थी यहाँ पे आपको देखो ये वाला ये सप्लाई यू कैंड इग्नोर फॉर द फर्स्ट टाइम बोला था आपको एक फॉल मिला होगा उसके बाद मार्केट बाय में ऊपर गया रेजिस्टेंस सेल जोन आपका सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया आप देख सकते हो अच्छी बाइंग मार्केट में आपको मिली है नाउ डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें मार्केट थोड़ा सा कमजोर आपको डेफिनेटली दिख रहा है बट इट इज नॉट ए फॉल वाला मार्केट ये जो एरिया है ये एरिया आपको दिख रहा है ये जहां पे दोनों मैंने वीकली का सपोर्ट बनाया वीकली सपोर्ट वन इज दिस वीकली सपोर्ट टू इज दिस बैंक निफ्टी का बैंक निफ्टी ये जो एरिया है इस एरिया इज ए सपोर्ट एरिया दिस इज ए बाई जोन एनी वे एंड दिस इज ए सेल जोन जहां पर मार्केट पहली बार टच करेगा तो ये बाय का, का काम करेगा दैट मीनस ये जो जंक्शन एरिया है 48, to 48, का जो लेवल है दिस वुड बी ए पावरफुल बाय जोन लेवल फॉर यू गैस होना चाहिए मार्केट को होना चाहिए देखो मार्केट रियक्ट कैसे किया है मार्केट ऊपर गया ये एरिया के पास मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया ठीक है ना अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया मार्केट ऊपर गया रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस लिया रेजिस्टन्स को काटा है ऊपर गया अभी नीचे आएगा तो क्या करेगा इट माइट फॉल बट एटलीस्ट आपको एक ऐसा बाइंग मार्केट देगा और फिर फॉल करना होगा तो मार्केट को करेगा ये वैसे हो भी सकता है ये ऐसे ऊपर भी जा सकता है बट एटलीस्ट हमारा टारगेट यहाँ तक का होना चाहिए उसके बाद हम सेल का देखेंगे जो फ्राइडे हमको एक सेल दिख रहा है थर्सडे तो हमारा हॉलीडे है समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ राइट तो ये जो एरिया है ना ये मैंने जैसे जोन बना के रखा हुआ है आपको जोन बनाना पड़ेगा ये हटा देते हैं इसका कोई काम नहीं है ये हटा देते हैं इसका कोई काम नहीं है ये जोन जो है दिस जोन इज गोइंग टू एक्टाजे सपोर्ट दैट मीन्स कल शायद आपको मिल सकता है अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन हुआ तो आपको बाय करना है सो फाइव हंड्रेड फिफ्टी में अभी मार्केट की क्लोजिंग हुई है ये टू हंड्रेड फिफ्टी के आसपास का लेवल है थ्री हंड्रेड पॉइंट का फॉल थ्री हंड्रेड का पॉइंट का फॉल अगर मार्केट होता है तो आप यहाँ से एक बाइंग मार्केट में उठा सकते हो दो दिन के लिए ट्यूसडे तक वेनजडे का भरोसा नहीं है ट्यूसडे तक फोर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड का जो लेवल है या फिर एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड का लेवल मार्केट एक बार टच करना चाहिए उसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर हम पुलिस नहीं रहेंगे क्योंकि एनी लेवल फोर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड टिल दिस फोर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड ये जो तीन सौ पॉइंट का जोन आपको दिख रहा है ना दिस एंटायर जोन इज जो सेल जोन मैंने वैसे टॉप में बनाया है दैट मीनस हमारा जो ट्रेड होगा ना परफेक्ट ट्रेड अगर मार्केट टॉप में मिलेगा तो से हम सेल करेंगे ये बीच में हमें स्काल्पिंग खेलना है दिस इज आइडियली नो ट्रेड जोन है बट स्कैल्पिंग खेलना है जैसे मार्केट ऊपर गया और सेवन हंड्रेड का लेवल का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है तो हम हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट का फिर भी बाइंग ले सकते हैं बट फोर्टी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड जो वीकली का हाई है वो वीकली का हाई का टॉप अगर देखोगे वही मेरा सेल जोन का टॉप है इसके ऊपर मार्केट को जाना बहुत बहुत मुश्किल है बैंक निफ्टी की जो रेंज होगी मेरे हिसाब से हाँ बेस्ट केस रेंज वुड बी दिस 800 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी का होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा अगर मार्केट ये वीकली लेवल से आपको फॉल देना चालू करता है तो 48,700 से 48,000, 47,000 ये 700 पॉइंट सो आइर ऊपर साइड से 700 पॉइंट और नीचे साइड से 700 पॉइंट बैंक निफ्टी का पूरा वीक का जो रेंज है वो सेवन टू एट पॉइंट का रेंज होने वाला है क्लियर एवरीबडी ये लेवल याद रख रक, रखना रक, ये जो मैंने लेवल बनाया है लास्ट सपोर्ट ऑफ द वीक यहाँ यहां तक आएगा नहीं व्यू हमारा जो है एस्ट्रो के हिसाब से मैं अभी एस्ट्रो डालता हूं मार्केट जो दिख रहा है कल गैप डाउन होने के बाद थोड़ा अगर मार्केट डीप देता है डे दे हाई ऊपर काटता है तो हम मार्केट में आइडियली मोटा मोटा बाय ऑन डिप्स में रहेंगे एटलीस्ट दो दिन तक यहाँ तक मार्केट को पहुंचने देते हैं फिर ऊपर मार्केट थोड़ा चला गया तो चलेगा थर्सडे हमारा हॉलीडे है फ्राइडे को आप एक फॉल मार्केट में देख सकते हैं दोबारा ओके फ्राइडे को फॉल बड़ा हो गया तो ज्यादा से ज्यादा लो तक आ जाएगा उससे बड़ा कुछ होने वाला है नहीं मार्केट में ऑप्शन बायर्स कॉशियस रहना छोटे छोटे पॉइंट लेना मैं पिछले दो हफ्ते से बोल रहा हूँ ऑप्शन बायर ये मार्केट में लॉस करेंगे भले ही आपका डिरेक्शन सही हो एवरीबडी right? <coughs> नहीं की बात कर लेते हैं तो निफ्टी में भी अगर हम बात करें वन yeah. निफ्टी में भी अगर हम बात करें पहले वीकली कैंडल का इंपोर्टेंस आपको बताता हूं फर्स्ट ओके okay? वीकली कैंडल आपको दिख रहा है क्या टॉप में ये पैटर्न मैंने पहले भी बनाया है बट पैटर्न फुल नहीं है टॉप में आपको क्या दिख रहा है इट्स ए बियर इज कैंडल अगर आपको याद होगा ना निफ्टी में एक महीने पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी मैंने बोला था कि जब भी मार्केट ट्वेंटी एट थाउजेंड नाइन हंड्रेड या ट्वेंटी थ्री थाउजेंड के आसपास जाएगा उसके बाद हमारा एक मोटा मोटा डाउन ट्रेंड मार्केट में चालू हो सकता है अभी नहीं पहुंचेगा ये हफ्ता नहीं पहुंचेगा बट जब भी पहुंचेगा इस तरह का मार्केट एक प्राइस एक्शन बना सकते हैं और मेरा जो व्यू है इसके लिए आपको इस तरह का स्विंग फॉर्मेशन होने दो दैट मीन्स लोअर हाइज लोअर लोज एक बार फॉर्म होने दो जब भी वो लोअर लोस कटेगा फिर हम मोटा मोटा डाउन ट्रेंड मोड में चले जाएंगे ओके तेईस हजार के ऊपर को मार्केट में इतनी आसानी से नहीं देख रहा हालांकि मार्केट ने ट्वेंटी एट थाउजेंड एट हंड्रेड से भी फॉल दे दिया दिस ब्यूटीफुल फॉल अगर आप देखोगे तीन सौ पॉइंट का फॉल है दिस इज अ अस कैंडल वीकली बियर इस कैंडल दैट मीनस <coughs> वीकली कैंडल बहुत दिनों बाद आपको इस तरह का बियर इसको हम क्या बोलते हैं हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं राइट right? मोटा मोटा इस तरह का कैंडल ऑन द टॉप इज डेंजरस मींस मार्केट बड़ा बाय डिप्स में तो नहीं रहेगा हमारा व्यू ऑन राइज का होना चाहिए बट ये कमिंग वीक के लिए कंसीडरिंग विक्स हमें बड़ा ऑन राइज शायद ना मिले और ऐसा आपको टॉप में निफ्टी में बहुत दिनों बाद मिला होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक बार आपको मिला था टॉप में अगर आप देखोगे राइट इसका मतलब क्या है टॉप में इस कैंडल का अगर हाई कट जाता है देन यू विल सी ए मोमेंटम बाइंग तो उस केस में हम 23,000, 23,500 तक भी मार्केट को ले लेके जा सकते हैं बट ये कैंडल आपका कब बना था ये कैंडल बना था आपको फिफ्थ जून 2003, 23. थ्री दैट मीन्स एक साल पहले ये मार्केट आपको मिला था ऐसा कैंडल आपको मिला था अभी एक साल के बाद टॉप में मार्केट को अभी आपको ये कैंडल मिला है। तो व्यू देखो हमारा व्यूअर इसका होना चाहिए मतलब सेलन फर्स्ट दो दिन नहीं आफ्टर ट्यूसडे ओनली मैंने जो बोला था कि इसका जो साइज है इसका 50 अगर हमें मिलता है, तो हमेंटी अगर आप लोगे यहाँ तक आ रहा है ट्वेंटी थोड़ा ऊपर और ले लो सिक्स सेवेंटी के आसपास जहां पे मेरा वीकली का पहला रेजिस्टेंस है वैसे सेल जोन मेरा ऊपर है, है टॉप में है बट सिक्स सेवेंटी के आसपास अगर मार्केट आपको ट्यूसडे मिलता है तो यहाँ से आप एक सेल ऑन राइस दोबारा लो तक मार्केट में देख सकते हो हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट का देख सकते हो निफ्टी अगर नीचे साइड काम काज करता है और ऊपर जाता है तो भी हाई चांसेस है कि फ्राइडे तक मार्केट ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड के आसपास का लेवल टच करे और यही सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी के जोन से जो हमारा फिफ्टी परसेंट ऑफ द कैंडल है मार्केट एक टू हंड्रेड पॉइंट का फॉल दे सकता है ठीक है यही है, तो बहुत बड़ी बात है वो मोस्टली हो जाएगा ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड के नीचे में मार्केट को नहीं देख रहा पॉसिबिलिटी ये है कि शायद अगर बोरा मोमेंट तो मार्केट दे, दे देता है मंडे ट्यूजडे मिला के शायद मार्केट ट्वेंटी टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड के लेवल तक पहुंच जाए जहां पे हमें ब्लाइंड सेल करनी है अगर नहीं पहुंचा मार्केट तो हमें सिक्स फिफ्टी सिक्स थर्टी के लेवल से भी सेल कर सकते हैं ठीक ठीक है 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 दैट वुड बी आवर मोटा मोटा व्यू निफ्टी ना ये देखो, ये देखो वाला जो सेल डेली कैंडल में क्योंकि इसने सप्लाई बनाया है मोस्टली तो इसी सप्लाई को मैंने सेल जोन मोटा मोटा बनाया है दैट मीन्स मार्केट अगर यहाँ तक जाता है यहाँ से सेल देता है इस तरह का लो काट देता है क्योंकि ये आपका सपोर्ट है वैसे सपोर्ट तो कट ही गया है

और एक चीज में बैंक निफ्टी में जो आपको दिखाना चाहता था वॉन्टेडिंग जैसे फीवो का मैंने किया था और निफ्टी में एम पैटर्न का मैंने किया था ठीक है मैं आपको एक बार बताता हूं ठीक है जहां से मार्केट सपोर्ट लेके गया ये वाला एरिया से ठीक है यहां से लेंगे हम फीवो अगर आप देखोगे मार्केट का जो पावरफुल लेवल होती है फीवो में रिट्रेसमेंट की वो यही है ये जो वीकली सपोर्ट हमारा बैंक निफ्टी का है सो इट इज ए पावरफुल लेवल नो डाउट अबाउट दैट ओके राइट तो ये रिवर्सल बनेगा इसको बना के रखना छोटा देगा बड़ा देगा know, मेरे हिसाब से मिनिमम 400, 500 पॉइंट की बाइंग इसको देनी चाहिए विदिन टू विद विदिन टू डेज ओके उसके बाद मार्केट सेल हो जाए निफ्टी में में मिनट का अगर आप देखोगे ये एक एम पैटर्न है सप्लाई हमारा सेल जोन हमारा यहाँ पे देखो सेल जोन का और एक आइलैंड पैटर्न बनाएगी स ये जो लेवल है सेवन थर्टी का लेवल अगर मार्केट अपने को बाई चांस मिल भी जाता है जाएगा तो नहीं बट बाई चांस मिल भी जाता है ब्लाइंड सेल इसलिए मैंने बोला यहाँ पे ब्लाइंड सेल है यहाँ तक पहुंचेगा ट्यूजडे के बाद अपन सेल सिक्स थर्टी सिक्स फिफ्टी का लेवल से ठीक है तो यहाँ पे तो सेल होगा ही होगा ये हफ्ते नहीं होगा अगले हफ्ते भी जाएगा तो सेल होगा ही ठीक है थीके? ये इसलिए सेल जो बना के रखना बाद में भी काम आएगा नाउ कंसिडरिंग द एम पैटर्न ही अगर आप एम पैटर्न ले भी लो ये वाला इसका जो नेक लाइन ब्रेक करके मार्केट ने यहाँ तक गिरा है टारगेट मार्केट का क्या आ रहा है छोटा वाला भी अगर हम लेंगे टू द नेक लाइन इट्स अराउंड हंड्रेड सिक्सटी हंड्रेडी हंड्रेड से अगर आप लेके चलते हो ये देखो ये एक लेवल आ रही है जो हमने इंट्राडे में करी है ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी दैट मीन इंट्राडे मंडे की जो बात है ट्वेंटी वुड बी ए बाई लेवल क्लियर मार्केट गैप डाउन हो भी जाता है या गैप अप फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है हल्का सा गैप डाउन होता है यहाँ पे सब जाए डे हाई काटा मार्केट को आप बाय कर सकते हो यहाँ तक बाय कर सकते हो मोटा मोटा, मोटा आइडियल यहाँ तक फाइव एटी तक बाय करना चाहिए उसके बाद छोड़ देना जान दो यहाँ पर गया तो सेल भी कर सकते हो इंट्रा में बट सेल बढ़ा नहीं सेल बढ़ा नहीं ठीक है सेकेंड सिनारी जो है आपका निफ्टी का मंडे की ट्रेडिंग के लिए मार्केट बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो ये लेवल को काटने दो नीचे से इसमें दो सिनेरियो होंगे या तो रीटेस्ट का आप वेट करोगे या फिर ओ आरबी अगर फिफ्टीन मिनट्स का कट गया तो भी आप बाय कर सकते ओके एंड देन फिर यू विल सी ए सेल अराउंड दिस लेवल इस तरह का एक मार्केट में बिहेवियर कल हो सकता है डेफिनेटली मंडे का ट्रेड दे रहा हूं मैं आपको ठीक है यही लेवल गेम वाला है बाकी नीचे जितना खुल रहा है खुलने तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके नीचे जितना ज्यादा खुलेगा ना ज्यादा गैप डाउन होगा हमारा बाइंग का कॉन्फिडेंस उतना स्ट्रांग बनेगा क्योंकि मार्केट में फ्री फॉल होने वाला है नहीं इतना बड़ा फॉर एग्जाम्पल फाइव फिफ्टी में हंड्रेड पॉइंट का भी मार्केट अगर गैप डाउन करता है ना देन यू नो कि बिकॉज ऑफ द विक्स मार्केट विल बी बॉट इतना बड़ा होगा नहीं होगा अलग बात है बट फ्री फॉल मार्केट में नहीं होगा तो पी सेल आप कर सकते हो मार्केट ठीक है क्लियर एवरीबडी ये मंडे की ट्रेडिंग है एक बार मैं आपको आस्ट्रो भी दे देता दे हूँ तो ये आप कॉपी कर लेना सेवनटीन इज ए हॉलीडे तो मैंने पहले डाला था अभी हटा हटाना पड़ेगा उसको सेवनटीन तो को रामनवमी है उससे पहले मार्केट शायद ऊपर रखने की कोशिश करेंगे ये लोग दैट इज़ वॉट माई व्यू इज़ तो मोटा मोटा पैटर्न कैसे दिख रहा है नाइन फिफ्टीन रू ट्वेल्व डिप्स मार्केट है ट्वेल्व टू थ्री थर्टी सेल है मे नॉट बी बिग बाउंड रह सकता है बट बायस आपका रहेगा ज़्यादा से ज्यादा डे लो तक आएगा बट उतना भी गारंटी नहीं ठीक है ज्यादा से ज्यादा डे लो ठीक है थर्सडे जो है वन से हॉलीडे है थर्सडे नाइन फिफ्टीन टू टू थर्टी बाय मार्केट गैप डाउन हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता अपना बाय है ठीक है टू टू थ्री थर्टी सेल बट नॉट रिकमेंडेड अगेन आपको दिख रहा आप है न, वो बायस है अच्छे खास बट सेकेंड हाफ में जो सेल है उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं दिख रही है ठीक है मैं तो ट्रेड भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ थर्सडे को ये रेंज बाउंड होके बास कर देगा निगेटिव बट रेंज बाउंड हो जाएगा फ्राइडे जो है हमारा एक बाइंग है नाइन फिफ्टीन टू वन फोर्टी फाइव के आसपास हमारी बाइंग है अभी देखते हैं ये 650 के लेवल जाता है या 700 का लेवल जाता है डोंट नो अगर ये सीनारियो होता है गैप डाउन हुआ तो 650 के ऊपर डेफिनेटली नहीं जाएगा गैप अप हुआ तो 700 के ऊपर नहीं जाएगा सेवन सेवन ट्वेंटी में मार्केट मिला 145 फोर्टी फाइव टू थ्री थर्टी गुड सेल आप एक सेल ले सकते हो अगर ये सिनारियो मिला तो सेवन हंड्रेड टू सिक्स हंड्रेड हंड्रेड पॉइंट का स्ट्रेट फॉल मिनिमम इसके नीचे भी जा सकता है मिनिमम हंड्रेड पॉइंट का फॉल आप मार्केट में ले सकते हो मोटा मोटा मार्केट यही दिख रहा है नेगेटिव आपको सेकेंड हाफ में आज तो दिख रहा है बट फिर भी आपको दिखेगा कि वीकली का जो लो है वो इतनी आसानी से नहीं कटेगा मार्केट में सेकेंड थिंग ये जो एम पैटर्न में टारगेट देने के बाद मैंने पहले भी ये बोला था एम पैटर्न में जब भी मार्केट टारगेट देता है मार्केट क्या करता है इट ट्राइज टू रिटेस तो इस ये लेवल इसलिए मैंने सिक्स ट्वेंटी सिक्स थर्टी का जो लेवल है आपको दिया है कि मार्केट एक बार यहाँ तक पहुंचेगा अभी एक दिन में पहुंचेगा दो दिन में पहुंचेगा वी डोंट बट एक बार यहाँ तक पहुंचेगा उसके बाद अपन सेल कर सकते हैं मार्केट में डिपेंडिंग अपन थर्सडे थर्सडे अगर मार्केट ऊपर चला गया तो फ्राइडे को सेल करेंगे थर्सडे मार्केट नीचे हो गया तो फ्राइडे सेकेंड हाफ में सेल करेंगे सिंपल ठीक है यहाँ पे फ्राइडे में आप सेकेंड हाफ से पहले भी थोड़ा सेल कर सकते हो आज तो को इतना भाव देने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन काम कर जाएगा ठीक है यही है व्यू आपका निफ्टी का क्लियर हो गया बैंक निफ्टी की बात करता हूँ मोटा मोटा बैंक निफ्टी को ट्रेडिंग तो वीकली का तो बता ही दिया ये ये सब जोन बना के रखना टारगेट मैंने आपको दे दिया एट हंड्रेड एट हंड्रेड पॉइंट का रेंज मार्केट में होने वाला है ज्यादा नहीं होगा ऑप्शन में अगर बायर हो तो आपको पता ही इंट्रा डे ही खेलना है एक्चुअली नाव बैंक निफ्टी इज बेसिकली ये जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट है थ्री उसके नीचे टू का लेवल है हंड्रेड पॉइंट का जोन है सिनारियों इसमें दो बनेंगे थ्री फिफ्टी इज इंपोर्टेंट जैसे मैंने निफ्टी में बोला था ना एक लेवल इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मार्केट हल्का गैप डाउन होता है उसके बाद कहीं पे भी होगा, 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 बड़ा नहीं होगा चलेगा जो आपका बनेगा मार्केट बड़ा गैप डाउन करता है या गैप डाउन करके पहले आपको बियर ट्रैक करता है इसी लेवल को टच करके इस लेवल को दोबारा काटता है then you can go for a buying again and then sells okay same level theek hai ye buy zone mein buy attempt ek bar maar dena bhai shayad market 600 point ka buying na de but 300 300 point ki buying do ye gap fill level tak ki buying do aapko market de dega theek hai इसी view के साथ trade करेंगे बाकी जो होगा live में देखेंगे thank you very much good night जय माता दी बाकी कल से वैसे वीडियोस रेगुलरली आएंगे डोंट वरी अबाउट दैट सॉरी फॉर लास्ट वीक थैंक यू वेरी मच गुड नाइट जय